दोस्तों, यदि आप नोटिसएप ऐप का यूज करके व्हाट्सएप के, सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर के, टेलीग्राम ऐप के या फिर किसी भी ऐप के डिलीट मैसेजेस को देखना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, किसी भी मैसेंजर के डिलीट मैसेजेस को देखने के लिए, रीड करने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है नोटिस सेव और सर्च कर देना है। उसके बाद दोस्तों नोटिस सेव ऐप आ जाएगा, तो इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करके नोटिस सेव ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको नोटिस सेव ऐप को ओपन करना है और नीचे टू टाइम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके नोटिस सेव ऐप को नोटिफिकेशन को एक्सेस करने की परमिशन को अलाउ करना है, फिर बैक करना है और फोटो मीडिया और फाइल को एक्सेस करने की परमिशन को अलाउ कर देना है। फिर ऐप लिस्ट लोडिंग होंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑल ऐप्स को सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपको नोटिस ऐप की तरफ से बार बार नोटिफिकेशंस ना मिले। उसके बाद दोस्तों नोटिस ऐप ओपन होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे थ्री डॉट का एक आइकन देखने को मिलता है, तो इस पर क्लिक करके आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपको दोस्तों सेव नोटिफिकेशंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है जिसकी नोटिफिकेशंस को आप सेव करना चाहती हो। जैसे कि हम व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, सिग्नल ऐप के डिलीट मैसेजेस को देखना चाहते हैं तो हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल ऐप को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अब हमारा सारा काम हो चुका है कंप्लीट। अब दोस्तों होगा क्या, जब भी आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर, आपका रिलेटिव व्हाट्सएप, सिग्नल ऐप या फिर टेलीग्राम पर मैसेज भेजेगा और आपके देखने से पहले ही उस मैसेज को डिलीट कर देगा, तो आप दोस्तों नोटिस ऐप को ओपन करके उस मैसेज को देख सकते हो जो जो मैसेज आपके भेजने वाले ने डिलीट कर दिया था।